हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो देख सकते हो ये सेकंड डे का हम लोग का स्टेइंग प्लेस था। हम लोग रूम चेंज किए हैं, देख सकते हो इधर बाथरूम है और इधर हम लोगों ने अपना सामान भी रखा है। तो चलो जल्दी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। सो गाइज, अभी हम लोग का ब्रेकफास्ट आ चुका है, डोसा और इडली, जैसे कि आप सब देख लिए हैं, और ये खा रही है, देख सकते हो क्या कर रही तुम। सो गाइज, देख सकते हैं हम लोग डे टू का टूर अभी जो होगा वो हम लोग जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, जैसे कि आप सभी को देख सकता है, और हम लोग नाश्ता वास्ता कर लिया। सो गाइज चलो चलते हैं अभी जहाँ जाना। सो गाइज, मैं और मेरी दीदी डिसाइड की कि मेट्रो में हम लोग को जाना होगा, जो हम लोग का नेक्स्ट प्लान है डे टू का हम लोग का। सो गाइज, हम लोग मेट्रो में आने का सोचे और ये हम लोग का लाइफ का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा। जो भी होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। और देख सकते हो अभी हम लोग मेट्रो में घुस चुके हैं। सो गाइस, ये हमारा फर्स्ट टाइम मेट्रो ट्रिप था जो कि काफ़ी अच्छा लगा हम लोग। सो या गाइस, अभी अब हम लोग आ गए वेलोर मठ के लिए टिकट कटवाने। जैसे कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे पर हेड 11 रुपीज़ और इसका लास्ट टाइम है 7:30। देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है यहाँ पे और यहाँ का बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा। थोड़ी देर में यहाँ पे गेट खुल जाएगी, जैसे कि आप सभी को भी देखने को मिल जाएगा। और ये देख सकते हैं अभी गेट खुल। सो गाइस, ये जो बोट है ये हम लोग को वेलोर मठ तक पहुँचाएगी। तो देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है, पता नहीं जगह होगा या नहीं। तो चलो चलते हैं और यहाँ हम लोग का सफ़र शुरू हो चुका है वेलोर मठ के लिए। और देख सकते हैं मैं खड़ी हूँ, इसीलिए खड़ी हूँ क्योंकि गाइस देख सकते हो बोट में काफ़ी भीड़ है और इधर मेरी दीदी बैठी है और मैं ऐसे खड़े होते हुए चलूंगी। तो चलो सफर का मजा लेते हुए चलते हैं। सो गाइस, फाइनली हम लोग अपने मंजिल पहुंच चुके हैं वेलूर मठ, और फेरी लगभग लगा है 35 मिनट्स हम लोग को पहुंचाने के लिए। तो चलो अभी पार होते हैं। और फेरी में कुछ चीज खाने का भी बंदोबस्त किया गया, आप सभी खा सकते हो। और आपको बता दो, कोलकाता का टूरिस्ट प्लेस में से एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस ये वेलूर मठ है। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ, तो चलो अभी एक्सप्लोर करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं, ऐसे ही ब्लॉग में बने रहे। सो गाइस, हम लोग वेलूर मठ आए थे पर उसका टाइमिंग 11:30 बजे तक ही था, इसलिए हम लोग को घुसने तक भी नहीं दिया गया क्योंकि उसका टाइम बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। तो गाइस आप जब भी आएंगे तो 11:30 के बाद कोई एंट्री नहीं दिया जाएगा, तो उसी हिसाब से अपना टाइम से आइएगा। और 4 बजे से फिर नेक्स्ट टाइमिंग होता है 8:00 से 9:00 तक, फिर जो भी चलता है। तो गाइस हम लोग बैठे बैठे वेट करते करते हम लोग को भूख भी लग गया और हम लोग को दर्शन करना ही है, तो हम लोग 4 बजे का वेट करेंगे अगेन। फिर 4 बजे ओपन होगा तो हम दर्शन करेंगे, देन फिर हम लोग जाएंगे। सो गाइज, फाइनली हमारी इंतजार खत्म हुई और अभी 4 बज चुका है और ये गेट खुल चुका है। तो अभी चलो विजिट करते हैं रामकृष्ण मंदिर। और यहाँ देख सकते हो काफी भीड़ है गाइज। और ठीक आपको राइट साइड में ये आपको मिल जाएगा शारदा मंदिर, और जस्ट उसके आगे में शनि ब्रह्मानंद मंदिर मिल जाएगा, और ठीक आपको शारदा मंदिर के जस्ट ये पीछे आपको गंगा घाट मिल जाएगा जो की आपको दिख रहा है। और ये है जैसे की रामकृष्ण मंदिर जो की स्वामी विवेकानंद जी 1938 में बनाए थे गॉड रामकृष्ण जी के नाम पे। और ये रामकृष्ण मंदिर के अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, और उसके जस्ट बाहर में इस टेंपल के बाहर में गार्ड भी खड़े रहते हैं, फोन ऑफ करके जाने के लिए बोलते हैं। सो गाइस, कोई भी जाए तो फोन वहां पे यूज ना करे। और इस टेंपल में रामकृष्ण जी को पूजा किया जाता है जैसे कि आपसे, और इस टेम्पल के बाहर आपको बड़ा सा गार्डन मिल जाएगा जिसमें आप अपना हैप्पी टाइम स्पेंड कर सकते हो। सो गाइस चलो, अभी हम लोग को रिटर्न होने का टाइम आ चुका है और ये देख सकते हैं हम लोग अभी फेरी में बैठ चुके हैं और शाम का नजारा काफी अच्छा दिख रहा था गाइस, जैसे कि आप सभी को भी दिख रहा है। और इसके बाद अभी हम लोग को मेट्रो में बैठना था, पर मैं मेट्रो का कैप्चर नहीं की थी क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे थे, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। तो ये देख सकते हो ये बस का थोड़ा कैप्चर कर दी थी, फिर मैं रूम पहुंच गई। रात हो गया, अभी हम लोग का जोमेटो का ऑर्डर आ चुका है, तो चलो देखते हैं इसमें क्या है। ये खाना है, ये मिक्स वेज है, और इधर दाल है, ये फ्रेंच फ्राइज, और ये पनीर का सब्जी है, ये प्लेन चावल है, दाल है, आलू भिंडी है, आलू बैंगन का सब्जी है, और ये दही है।